हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑन करंट अफेयर डिस्कशन में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहली न्यूज़ है एशिया पैसिफिक ग्रुप एपीजी ऑन मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। एपीजी का कहना है कि पाकिस्तान का जो स्लो प्रोग्रेस है इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, इसको देखते हुए एपीजी ने कहा है कि पाकिस्तान को अभी इन्हेंस फॉलो अप लिस्ट में ही रहना होगा। एपीजी के बारे में अगर बात की जाए तो इसका रीजनल एफिलिएट जो है वो पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के साथ है। एपीजी का सेक्रेटेरिएट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोकेटेड है। एपीजी को 1997 में बैंकॉक थाईलैंड में फाउंड किया गया था। इसमें करंटली 41 मेंबर हैं इन एशिया पैसिफिक रीजन। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? एपीजी का कहना है कि पाकिस्तान को फिलहाल इनहैंस्ड फॉलोअप लिस्ट में ही रहना होगा और उनको कंटिन्यूअसली रिपोर्ट भी देनी होगी कि कैसी प्रोग्रेस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के फील्ड में। उन्होंने क्या मीजर्स लिए हैं उसके बारे में उनको रिपोर्ट करना होगा एपीजी को। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तब से ही पाकिस्तान जो है पूरी तरह से डेस्परेट हुआ हुआ है कि किस तरह से उसको इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, और वो इसके लिए तरह तरह की कोशिशें भी कर रहा है। पाकिस्तान को पता है कि अगर वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है उसके इकोनॉमी और इमेज पे पड़ेगा, जो कि पड़ रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, जब भी पाकिस्तान को इस लिस्ट में डालने की बात की जाती थी तो उसके जो एलाई हैं चाइना, वो उसको बचा लेता था इस लिस्ट में जाने से पास्ट 2 ईयर्स से। इसके अलावा टर्की और मलेशिया भी उसका साथ देता था, क्योंकि देखिए FATF के लिस्ट में जाने से रोकने के लिए 3 वोट की ज़रूरत होती थी, तो ये लोग इसको हमेशा वोट देके सेफ कर लेते थे। बट जून 2018 में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बार बार इंटरनेशनल प्रेशर भी बन रहा था, जिसके वजह से पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अगली न्यूज़ है टेक फॉर ट्राइबल्स के बारे में। ट्राइफेड, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आती है, उसने कोलैबोरेट किया छत्तीसगढ़ MEP फेडरेशन और IIT कानपुर के साथ, और उसने यहाँ पर लॉन्च किया है टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव ऑन 30 अक्टूबर 2020 में। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये प्रोग्राम जो है उसको टाइटल दिया गया है टेक फॉर ट्राइबल, और इसका जो एम है वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है ट्राइबल्स कम्युनिटी का। इसमें फोकस किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल पे, IT एंड बिजनेस डेवलपमेंट थ्रू SHGs ऑपरेटिंग थ्रू वन धन केंद्र, जिसको वन धन केंद्र के थ्रू ऑपरेट किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव के अंदर ट्राइफेड जो है वो टाई अप करेगी ये डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, लाइक IIT कानपुर, आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर, KISS, और इसके अलावा सृजन राजस्थान के साथ भी। ये कंडक्ट करेगी वंधन ESDP ट्रेनिंग प्रोग्राम इन डिफरेंट स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान। अगली न्यूज़ है कामधेनु दीपावली अभियान के बारे में। देखिए, RKA यानी कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जिन्होंने स्टार्ट किया है नेशन वाइड कैंपेन ताकि वो सेलिब्रेट कर सकें कामधेनु दीपावली अभियान को इस साल ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली फेस्टिवल। RKA की बात अगर की जाए तो इस कैंपेन के थ्रू RKA का एम है प्रमोट करना एक्सटेंसिव यूज ऑफ काउडंग और पंचगव्य प्रोडक्ट को। इसमें मैन्युफैक्चर किया जाएगा काऊ डंग बेस दिया को, कैंडल को, धूप को, अगर धूप अगरबत्ती, इसके अलावा शुभ लाभ, स्वास्तिक, समराणी, और इसके अलावा डिफरेंट पेपर वेट, ऑल पीस, हवन सामग्री, और इसके अलावा आइडल्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे लॉर्ड गणेशा और गॉडेस लक्ष्मी की ड्यूरिंग दिस दिवाली फेस्टिवल। की इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ काउस की बात की जा रही है, और उनकी जो भी नस्ल है उसको सेव करना और इनके यूज करके डिफरेंट कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाना। RKA है, RKA एक हाई पावर्ड परमानेंट बॉडी है जो फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी को। इसके अलावा
डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि जो डिफरेंट स्कीम्स है कैटल रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर देखिए, काऊ डंग का यूज़ करके डिफरेंट इनोवेटिव प्रोडक्ट को क्रिएट करने की बात की जा रही है, ताकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जा सके जो भी काऊ बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए और फार्मर्स के लिए। यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा काऊ डंग का, उससे उसकी मदद से क्लीनर और हेल्दियर इन्वायरमेंट को बना करके, देखिए जो काऊ डंग प्रोडक्ट है उसका यूज़ करके आप इन्वायरमेंट को क्लीनर और हेल्दियर बना सकते हैं। काऊ सेंट्रिक इकोनॉमी जो है वो हेल्प करेगी ताकि अचीव किया जा सके आत्मनिर्भर भारत गोल को। इसके अलावा यहाँ पर रिजेक्ट करने की बात की गई है चाइना मेड दिया को, और यहाँ पर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने की बात कही जा रही है। अंडर RKA यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंटली प्रयास किया जाएगा ताकि इंक्रीज किया जा सके यूज ऑफ डिफरेंट काऊ पंचगव्य प्रोडक्ट, ताकि यहाँ पर फार्मर के इनकम को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यूथ, वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और अदर स्टेक होल्डर्स के भी यहाँ पर इनकम को बढ़ाने की बात की जा रही है। अर्जेंट अटेंशन की क्यों ज़रूरत है, देखिए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। एवरेज मिल्क यील्ड जो है इंडिया में वो सिर्फ 50% है वर्ल्ड एवरेज का, यानी कि इतने बड़े प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क होने के बाद भी जो हमारी एवरेज मिल्क यील्ड है वो 50% है वर्ल्ड के एवरेज का। लो प्रोडक्टिविटी जो है वो लार्जली है ड्यू टू डिटेरियोरेशन इन जेनेटिक स्टॉक्स, पुअर न्यूट्रिशन एंड अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट के वजह से। ये ट्रेंड जो है उसको ज़रूरत है रिवर्स करने की, ताकि जो पॉपुलर परसेप्शन है काऊ और काऊ बेस्ड एग्रीकल्चर और काऊ बेस्ड इंडस्ट्री का, उसको करेक्ट किया जा सके इमीडिएटली फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिजुविनेशन ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली पुअर्स लोगों के लिए जो कि रूरल रूरल एरियाज में रहते हैं। अगली न्यूज़ है इकोनॉमिक स्टिमुलस के बारे में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है दो तरह के मीजर्स को, ताकि जनरेट किया जा सके कंजम्पशन डिमांड को और बूस्ट किया जा सके कैपिटल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। इसमें क्या किया गया है, अंडर लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि LTC कैश वाउचर स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कैश पेमेंट दिया जाएगा उन सभी एम्प्लॉई को फॉर वन टाइम LTC ड्यूरिंग 2018 to 2021, जिसमें कि फुल पेमेंट दिया जाएगा ऑन लीव इनकैशमेंट। इसके अलावा टैक्स फ्री पेमेंट दिया जाएगा LTC फेयर को इन थ्री फ्लैट रेट स्लैब्स में, जो कि डिपेंड करेगा क्लास इंटाइटलमेंट जो कि उनको दिया गया था। इसके अलावा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लाई गई है, जिसमें जो कि पहले सिर्फ नन गैजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता था, उसको रिवाइव करके एज ए वन टाइम मेजर यहाँ पर गैजेटेड एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे उनको दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री एडवांस ऑफ ₹10,000, जो कि होगा इन फॉर्म ऑफ प्रीपेड रुपे कार्ड, जिसको कि स्पेंड करना होगा 31 मार्च 2021 तक। इसके अलावा स्टेट्स के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट में यहाँ पर स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर्स लोन दिया जा रहा है स्टेट्स को, जिसको इशू किया गया फॉर ₹12,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको भी 31 मार्च 2021 तक स्पेंड करना होगा। इसके अलावा 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जिसको 200 करोड़, उत्तराखंड में 450 करोड़, और इसके अलावा जो अदर बचे हुए स्टेट हैं उनको 7,500 करोड़ की बूस्ट दी जा रही है एज पर शेयर ऑफ फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन। अगली न्यूज़ है बाला साहेब विखे पाटिल जी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर रिलीज किया डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल जी की ऑटोबायोग्राफी को, और इसको रीनेम किया प्रवारा रूरल एजुकेशन सोसाइटी एज लोक नीति डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवारा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर। बाला साहेब विखे पाटिल जी के बारे में बात किया जाए तो वो 14th लोकसभा ऑफ इंडिया के मेंबर थे। इसके अलावा वो 7 टाइम MP थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट भी रहे हैं, और कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी वो रहे हैं। वो एक प्रोमिनेंट लीडर थे महाराष्ट्र के, और वो अपने पिता विठल राव विखे पाटिल जी के एल्डेस्ट सन थे।
उन्होंने स्टार्ट किया था एशिया की पहली कॉरपोरेटिव शुगर फैक्ट्री लोनी महाराष्ट्र में। इसके अलावा 2010 में उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, उनके काम के लिए जो उन्होंने सोशल वर्क किया था उसके लिए। उन्होंने एस्टैब्लिश किया था प्रवारा रूरल एजुकेशन सोसाइटी इन 1964 इन लोनी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। इनका एम था कि जो भी रूरल मासेस है उसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। अगली न्यूज़ है अर्थराइटिस के बारे में। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को ऑब्जर्व किया गया अक्टूबर 12 को। इसको हर साल मनाया जाता है सिंस 1996 से। इस साल वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की थीम क्या थी? थीम थी टाइम टू वर्क। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे को ऑब्जर्व किया गया ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके अर्थराइटिस के बारे में अराउंड द वर्ल्ड। अर्थराइटिस जो है वो एक सिंगल डिजीज नहीं है बल्कि कलेक्शन है मोर देन 100 डिफरेंट कंडीशन जो कि इफेक्ट करती है ज्वाइंट को और जो भी टिश्यूज होती है अराउंड द ज्वाइंट उसको। इसके अलावा जो भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसको भी ये काफ़ी इफेक्ट करती है। ये कंडीशन जो है यूजुअली ज्वाइंट स्टिफनेस पेन इन्फ्लामेशन और मोस्ट कॉमनली इसको देखा गया है एडल्ट के अंदर। अर्थराइटिस जो है इसमें ज्वाइंट में एक इन्फ्लामेशन होता है यानी कि एक जलन महसूस होती है जो कि इफेक्ट करती है मल्टीपल ज्वाइंट्स को।